एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के कुटेला भाटा पहुंचे हैं। आपको यहां पर बता दें कि आईआईटी के विभिन्न भवनों का ये भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी इस वक्त मौजूद हैं। सीधी तस्वीर को दुर्ग से आज यहाँ इस भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मंच में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित गृह एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित कृषि मंत्री सम्मान्य श्री रविन्द्र चौबे जी, उच्च शिक्षा मंत्री साथी उमेश पटेल जी, विधायक एवं महापौर देवेंद्र जी, डॉक्टर श्री रजत जी एवं यहाँ पर उपस्थित विशेष तौर पे सामने में सब दिख रहे हैं, एक एक के नाम लेहूँ तो समय भी बहुत लगी, मोर विधानसभा के सभी संगवारी मन, यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्तागण, ग्रामवासीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, महिलाओं प्रिय बच्चों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ कि मेरे विधानसभा में आज यहाँ पे इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस आईआईटी का निर्माण मेरे विधानसभा में हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जैसे रजत जी ने भी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि यहाँ के ग्रामीणों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त होगी इसके जरिए, यह बहुत खुशी की और गर्व की बात है। साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में के हमारे युवा पीढ़ियों को एक इस कॉलेज के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, आईआईटी के माध्यम से एक उच्च शिक्षा प्राप्त होगी और एक ऊंची सोच के साथ यहां से पढ़ के वहां निकलेंगे। जिस तरीके से जब छत्तीसगढ़ हमारा बना, विशेष तौर पे जब हमारी यहाँ पर सरकार बनी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, विगत दो साल में हर वर्ग के हित के लिए, विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार काम करते आई है। ठीक उसी तरह इस आईआईटी के जरिए हमारे युवा पीढ़ी एक नई मुकाम छुएंगे। अंत में एक बार फिर मेरे तरफ से सभी को बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय सतनाम, जय शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मंत्री जी। और इसी कड़ी में अब बढ़ते हैं आगे और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उमेश पटेल जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मंत्री जी, चलिए खबर उज्जैन से देखेंगे।